उमरिया के पाली नगरी निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए 8 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों ने 5 वार्डों पर जीत हासिल की। एक निर्दलीय प्रत्याशी और एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं बिरसिंहपुर पाली नगरी निकाय चुनाव में सभी 15 वार्डों में चुनाव कराए गए थे। विजयी प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी नेहा सोनी ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नगरी निकाय चुनाव में आम सभा को संबोधित करते हुए अपने 15 पार्षदों की विजय बनाने के लिए बिरसिंहपुर पाली पहुंचे थे। वहीं इस चुनाव में लगातार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी क्षेत्र की जनता से पार्षदों को जिताने के लिए लोगों के बीच प्रचार कर रहे थे, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद केवल 8 ही भाजपा के पार्षद विजय प्राप्त कर सके। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही दूसरे नंबर पर रहते हुए 5 कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं एक निर्दलीय और एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने विजय हासिल की। नगर की जनता को दिल से मेरा धन्यवाद और सादर प्यार भरा प्रणाम भी है। ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारी पूरे नगर पालिका की जीत है, हमारे नगर की जनता की जीत है और इस जीत का श्रेय हमारे आम आदमी पार्टी को जाता है। नगर पालिका चुनाव में आज 15 वार्डों की हमने 2 राउंड में काउंटिंग की। 9 बजे से आज हमारी काउंटिंग प्रारंभ की गई थी। काउंटिंग के पश्चात जो प्रत्याशी हमारे निर्वाचित घोषित किए गए हैं, आज उन सभी लोगों को हमने प्रमाण पत्र भी वितरण कर दिया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास का मुद्दा लेकर चुनाव पर उतरी थी, क्योंकि जनता को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इस नगर का विकास कर सकती है। कई वार्डों में हम क्रॉस वोटिंग के कारण हमारे वो रिजल्ट नहीं आ पाए, लेकिन आगे आने वाले समय में जितने भी 15 पार्षद हमारे जीते हैं, हमें उम्मीद है कि आगे वो अपनी आत्मा की आवाज पर वोटिंग करेंगे और इस परिषद में कांग्रेस एक बार फिर से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होगी।